हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम आज बताएंगे कि ये हमारा दिया गया है परवलय का समीकरण, ठीक है ना, जिसमें कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे वर्ग एक वर्ग दो में, और ये आपका 12th लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें है कि परवलय का समीकरण दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है जिसमें पूछ रहा है कि परवलय के शीर्ष अक्ष नाभि नियतार नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, समीकरण को लिख देना है। तो हमने समीकरण को लिखा और हमें क्या है, क्योंकि हम जानते हैं परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, वो होता है। तो सबसे पहले हमें उस लेवल को, इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसमें 4y² माइनस 4y को इस साइड और x को दूसरे साइड ले लिया, क्योंकि वाई वाई के हमें इस साइड चाहिए हैं। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया और यहाँ पर कुछ नहीं, तो 4 को हमने राइट हैंड साइड में रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। अब हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो एक 1/4 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो ताकि ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो बाई माइनस वन 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x + 6/4, ठीक है। और ये हमारा सॉल्व करने पर इतना आ गया। अब हमने इसका क्या किया, यहाँ पर हमने चूंकि जानते हैं कि परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वाई कैपिटल वाई इक्वल टू हमारा क्या मिला, स्मॉल वाई माइनस वाई 1/2, और 4e बराबर क्या मिला, 3/2, और कैपिटल एक्स बराबर क्या मिला, x+1। तो हमने इस 4 को नीचे भेज दिया, तो हमारा क्या है, ई इक्वल टू 3/8 मिल गया। अब है कि जो सीट्स हैं, शीर्ष अब पूछ रहा है कि परवलय के जो शीर्ष होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। तो कैपिटल एक्स, चूंकि कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, x+1, तो हमारे एक्स इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 1/2, तो क्या -1 और 1/2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, इसके शीर्ष। अब इसमें बताना है अक्ष, चूँकि वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो एक्स अक्ष पे होगा, तो एक्स अक्ष पर वाई इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर कैपिटल वाई इक्वल टू 0 रख के वाई इक्वल टू इसका मान कैसा आ जाएगा, 2 है। नीता का समीकरण, चूंकि परवलय में नीता का समीकरण क्या होता है, एक्स इक्वल टू -a, ठीक है, एक्स की वैल्यू x+1 दी गई है और ए की वैल्यू 3/8 दी गई है। इसको पक्षांतर किया हमने, तो सॉल्व करने पर हमारे क्या आया, माइनस का 11y8, ठीक है ना। अब नाभि के निर्देशांक, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नाभि के निर्देशांक होते हैं परवलय की a, 0, ठीक है ना। a चूँकि x की वैल्यू a दी गई है और कैपिटल x इक्वल टू x+1 दिया गया है, a की वैल्यू 3/8, चूँकि इधर जाएगा तो क्या बचेगा, -5/8, 5 -5/8, ठीक है ना। और y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 5 y इक्वल टू क्या है, 1/2, तो हमारे जो नाभि के निर्देशांक होंगे -5/8, 1/2। अब है नाभि लंब का समीकरण, x इक्वल टू 1 होता है, x की वैल्यू x+1 है और a की वैल्यू 3/8, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर भी शायद -5/8 बचेगा, ठीक है ना। फिर है नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई होती है 4a, ठीक है ना। तो 4 × 2 = 8, तो कितना हो जाएगा, 3/2। इस तरीके से परवलय के शीर्ष अक्ष नाभि नाभिलंब नेता का समीकरण नाभिलंब की लंबाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, धन्यवाद।